नमस्कार दोस्तों, बात पहाड़ की कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूँ सुनीता भास्कर और आप सुन रहे हैं 91.2 FM पर बदलते शहर की धड़कन, हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, बात पहाड़ की कार्यक्रम में आज हम पहाड़ की जो लाइफलाइन कही जाती है, केमू की जो बसें हैं, उस पर आज हम बात करेंगे। केमू की बसें पूरे पहाड़ के हर रूट को छूती हैं, हर रूट तक सवारियां पहुंचाती हैं, वहां से सवारियों को हल्द्वानी लाती हैं। तो एक बहुत बड़ा जाल है, बहुत बड़ा नेटवर्क है केमू की बसों का। तो केमू में जो है वो अपने 33 साल की सेवा देने वाले बालकृष्ण भट्ट जी अभी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और अभी हम मौजूद हैं अल्मोड़ा जनपद के धौलादेवी ब्लॉक के नैनोली गांव में। इस वक्त हम मौजूद हैं और 33 साल की सेवा देने के बाद अब बालकृष्ण भट्ट जी अपने गांव लौट गए हैं और अब पिताजी की सेवा कर रहे हैं, गांव में ठंडी हवा पानी खा रहे हैं। थोड़ी समस्याएं वो बताते हैं कि सड़कें गांव तक आनी चाहिए, तो ऐसी बहुत सारी बातें हम उनसे करेंगे कि गांव में क्या दिक्कतें उनको महसूस हो रही हैं। और इसके अलावा केमू में जो उन्होंने अपने 33 साल गुजारे हैं, उन अनुभवों को हम बटोरना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो अनुभव आप तक पहुंचे, आप भी जान पाए कि कैसा वक्त था, कैसे पूरे पहाड़ों में आज पूरा केमू का जो नेटवर्क बना हुआ है। तो सबसे पहले बालकृष्ण भट्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो बालकृष्ण भट्ट जी, आप बताएं, केमू में आप 33 साल रहे हैं, पहले तो हमारे श्रोताओं को आप बताएं कि केमू जो है वो क्या है, किस तरह की कंपनी है और कब वो बनी, क्यों बनी, क्या जरूरत पड़ी कि उनको ऐसा एक ढांचा बनाना पड़ा। सन 1939 की कंपनी है, कुमाऊं मोटर ऑनर्स लिमिटेड। उन्नीस सौ उनचालीस रोडवेज 46 की है, एशिया में नंबर वन कंपनी है केमू ऑनर्स लिमिटेड। इसकी सेवाएं जो है हल्द्वानी से धारचूला, हल्द्वानी से मुनसारी, ठीक है, हल्द्वानी से डीडी हाट, हल्द्वानी से बागेश्वर, हल्द्वानी से पिथौरागढ़, हल्द्वानी से गंगोली हाट, हल्द्वानी से जखेड़ा, हल्द्वानी से ग्वालदम, हल्द्वानी से भराड़ी, हल्द्वानी से श्यामा, हल्द्वानी से कपकोट, हल्द्वानी से शेराघाट, हल्द्वानी से देघाट भाया रानी के, हल्द्वानी से भिक्यासेन, हल्द्वानी से मौलीखाल, हल्द्वानी से रामनगर, हल्द्वानी से कालाडूंगी नैनीताल, हल्द्वानी से सितारगंज चोरगलिया, हल्द्वानी से टनकपुर भाया सितारगंज, हल्द्वानी से देवीधुरा, हल्द्वानी से ढोली गांव, हल्द्वानी से मोनाकोट, हल्द्वानी से बनोली, हल्द्वानी से मोरनौला, हल्द्वानी से जैती, हल्द्वानी से बनोली भाया जैती, हल्द्वानी से बनोली भाया अल्मोड़ा, हल्द्वानी से नैनी जागेश्वर, हल्द्वानी से खेती भाया धौला देवी, हल्द्वानी से भाया खेती धौला देवी, हल्द्वानी से नैनी भाया जागेश्वर, हल्द्वानी से बुर्द जागेश्वर भाया पनवानौला, हल्द्वानी से शेराघाट भाया धौलचीना, हल्द्वानी से तागुला बागेश्वर, हल्द्वानी से कठपुरिया चीना, हल्द्वानी से ग्वालदम, हल्द्वानी से चौखुटिया, हल्द्वानी से देघाट, हल्द्वानी से बगवाली पोखर, हल्द्वानी से सोमेश्वर भाया गगास, हल्द्वानी से कुकुरचीना भाया दोराहाट। इतनी सेवाएं हैं हल्द्वानी से, आप अल्मोड़ा से कहो सब बता दूंगा सेक्शनों को। अच्छा, ये हल्द्वानी से, ये हल्द्वानी दैनिक स्टेशन है ये, अब अल्मोड़ा सेक्शन बता देता हूँ। अब इस केमू लिमिटेड ऑनर्स की जो कंपनियां हैं, इनके हर महीने के सेक्शन हैं। ये हल्द्वानी सेक्शन बताया मैंने, अब अल्मोड़ा सेक्शन आते हैं हम जी। और कितने सेक्शन है? अभी संभावत है पिथौरागढ़ बागेश्वर है। अच्छा, इतना रोड है गाड़ी का, तो अभी हम रामनगर निचले वहाँ नहीं बताएंगे हम, रामनगर भी है सेक्शन। तो मोटा मोटा आप बता दीजिए ताकि थोड़ा समझ पाए कि कितने इलाके हैं जो सड़कों से जुड़े हुए हैं और कहाँ तक केमू पहुँचती है। अल्मोड़ा से गंगोलिया हाट भाया बागेश्वर, अल्मोड़ा दैनिक जो अल्मोड़ा से गाड़ियाँ हैं डांग गाड़ी भाया बागेश्वर गंगोली हाट भाया भेरीनाग नाइट और गंगोली हाट, अल्मोड़ा गंगोली हाट भाया पनार, अल्मोड़ा मुंशहरी भाया थल शेराघाट, अल्मोड़ा धारचूला भाया डीडी हाट। अल्मोड़ा की गाड़ियाँ बता रहा हूँ मैं, हल्का हल्का बता दीजिए, अल्मोड़ा रानीखेत, अल्मोड़ा शेराघाट, अल्मोड़ा बागेश्वर, अल्मोड़ा चंपात बादनिया हमारे टाइम जो रेगुलर थी, अल्मोड़ा ग्वालदम डांक, अल्मोड़ा बगाली पोखर, अल्मोड़ा गोविंदपुर, अल्मोड़ा दौलागढ़, और के बताऊं अलमार तो हेल्थ आ गए। आप बागेश्वर बता दो, बिल्कुल बागेश्वर और चंपावत का बता दीजिए। आप बागेश्वर सेक्शन आ गया, आप देखो तुम बागेश्वर से मुंशहरी, बागेश्वर से सबसे लंबी रेगुलर मुंशहरी भी, बागेश्वर से मुंशहरी, बागेश्वर से पिथौरागढ़ भाया पनार घाट, बागेश्वर से पिथौरागढ़ भाया थल मवानी, दो गाड़ियां गई ना, एक इधर से एक इधर से, और बागेश्वर से धारचूला, बागेश्वर से सोंग भराड़ी, बागेश्वर से लीति गोगिना श्यामा, बागेश्वर से जखेड़ा, बागेश्वर से गरुड़, बागेश्वर से ग्वालदम, बागेश्वर से रानीखेत, बागेश्वर से हल्द्वानी, बागेश्वर से कठपुरिया चीना, बागेश्वर से तागुला, ऐसी रेगुलर है, लोकल रेगुलर है वहाँ हुई। वैसे पिथौरागढ़ आ गया, पिथौरागढ़ से फर्स्ट रेगुलर 135 किलोमीटर होता है पिथौरागढ़ से मुंशहरी भायाथल, और धारचूला होता है 97 किलोमीटर, मैं अभी भी मेरे को याद आई 10 साल की मैं घर आई। हाँ, 135 किलोमीटर बागेश्वर पिथौरागढ़ से मुंशहरी,
कोई पूछना चाहे तो इसमें आ जाएगा तुम्हारे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। और क्या नाम कहते हैं, पिथौरागढ़ से धारचूला 97 किलोमीटर भाया ओगला, ठीक है नी। पिथौरागढ़ से टनकपुर 150 किलोमीटर, पिथौरागढ़ से टनकपुर की दूरी 150 किलोमीटर है, 75 चंपावत 75 टनकपुर। क्या बात है, हमें याद है, अभी हम किलोमीटर लिख चाहे वो बिल में अपन। बिल्कुल बिल्कुल, पिथौरागढ़ से बड़ाबे 37 किलोमीटर, पिथौरागढ़ से जाख, पिथौरागढ़ से थल, पिथौरागढ़ से मानी लोकल गाड़ियां हुई, पिथौरागढ़ से बुआ चीना, पिथौरागढ़ से दिवल थल, पिथौरागढ़ से ये एक रोड, ये क्या बोली, अब मैं भूल गए वहाँ नाम है, जागपुरा, पिथौरागढ़ से जागपुरा यहाँ पौड़ने से नहीं, यहाँ पौड़ी रेगुलर खाल नीच गए, पिथौरागढ़ से गंगोली हाट भाया पनार, पिथौरागढ़ से बांस पठान, पिथौरागढ़ से बांस, यही रेगुलर है पिथौरागढ़। अब चंपावत से है, चंपावत से अल्द्वानी भाया देवी धुरा, चंपावत से वो क्या नाम कहते हैं पंचेश्वर, ये पंचेश्वर बांध बनाया है, लोहा घाट से कटती हैं गाड़ियां, चंपावत से देवी धुरा, और चंपावत से ढोली गांव, और चंपावत से मुनाकोट, चंपावत से केदारनाथ, चंपावत से क्या नाम वो मायावती आश्रम, लोहा घाट से है ऊपरकोट चढ़ाई, और चंपावत से देवी धुरा, चंपावत से वो क्या नाम टनकपुर, चंपावत से एक रोड नाम भूल गए मैं, चंपावत कच्ची रोड साहब भूल गए मैं, आप बता दूं तो चंपावत से भी देनी गाड़ियां ठहरी, हर गाड़ियां लोकल ठहरी, आपके बताओ तो मतलब केमू का इतना बड़ा नेटवर्क हुआ। हाँ। मतलब हल्द्वानी हर महीने के सक्शन ठहरी, जैसे 16 गाड़ी एक सक्शन में 16 गाड़ी जैसे पिथौरागढ़ चलेंगी तो 16 चंपावत से भी चलेंगी, और 35 गाड़ी अल्मोड़ा से चलेंगी, हल्द्वानी से तो मैंने बताई दिया, ये नेटवर्क ठहरा केमू का। इनका ऑफिस है चंपावत भी है, पिथौरागढ़ भी है, बागेश्वर भी है, इन गाड़ियों का हिसाब किताब की बागेश्वरी बनता है हर जगह। ये तो टोटल कितनी गाड़ियां रही होंगी, कुछ अंदाजा है? हमारे जमाने में तो 96 परमिट थे, 96 और कुछ परमिट टेम्परेली थे, मेरे ख्याल 450 गाड़ियां थी। आपने कब ज्वाइन किया केमू? मैंने 77 में। 77 में। हाँ। उस समय 96 गाड़ियां। हाँ, उस टाइम 96, क्योंकि उस वक्त उतनी सड़कें भी नहीं बनी। हाँ, नहीं करी। लेकिन फिर भी जितना आपने रूट बताया, क्या इतनी सड़कें सब गांव तक पहुंची थी? हाँ। तो ये कच्ची सड़कें थी या पक्की थी? सब धूल वाली रोड, धनिया रोड, धूल खाते हुए आते थे धनिया को, नैनीताल धनिया में तुम्हें 50 बड़ी। तो मतलब ये जो जितने भी रूट आप बता रहे हैं ये सब नहीं, सब कच्ची नहीं थे, लगभग ज्यादातर कच्ची थी। हाँ, लगभग ज्यादा। लेकिन आज वो सब पक्की हो गई। आज तो स्वर्ग हो गया बेटा। जब आपने 77 में ज्वाइन किया था और जब आपने अभी 10 साल पहले छोड़ा है। हाँ। तो तब में कितना अंतर था सड़कों में? बहुत अंतर ठहरा, आदेश भी ज्यादा ठहरा, सड़कों में, सवारियों में। हमारे जमाने में इतनी सवारियां थी कि केमू को पैसेंजर ज्यादा थी, लोग बाग गाड़ी को पकड़ते थे। हाँ। आज गाड़ी वाले पैसेंजर को पकड़ रहे हैं। हम पैसेंजर से कहते थे जगह नहीं है भाई, जगह नहीं है, जाओ जाओ, जगह नहीं है हमारे पास। शाम को ही टिकट कर जाते थे ऑफिस के अंदर। अच्छा। सीट नंबर मिलता था। अच्छा, सीट नंबर। हाँ, सीट नंबर। आप 2 नंबर सीट नंबर है तो उसमें कोई नहीं बैठेगा, तू बैठेगी। अपर और लोअर सेकंड 3 मिलते थे, अपर लोअर सेकंड मिडिल, अगले में अलग टिकट, बीच में अलग टिकट, पछले अलग टिकट। अच्छा। आज तो सब फ्री हो गया, तो आगे का किराया ज्यादा हुआ। हाँ, फिर आगे का भी, बीच का भी। ये था बेटा। अच्छा। हमारे जमाने का तो ऐसा था कि हम पैसेंजर के लिए हाथ जोड़ते थे, बाबूजी कोई बात बिगड़ गई, मामला गड़बड़ हो जाएगा, हमारी गाड़ी में जगह नहीं है। तो ओवरलोड करते थे आप बसें या फिक्स जितना सीटें? हमारे जमाने में आईक्यू बहुत चेकिंग होता था, बिल्कुल ओवरलोड नहीं लाते थे लाइव, तो कभी अटक भटक जेलो नहीं आना, मतलब ओवरलोड शक्ति थोड़ी चलाने हो जाना। आज तो उस टाइम ओबिल सिस्टम था, लॉग बुक भरी जाती थी, आपका टिकट हो तो आपका टिकट भी हमारे पास एंट्री होता था, उसको वो चेक करती थी। आज तो सरकार का फ्री है, फिक्स है, टैक्स मत करो चेक, आपकी गाड़ी में कोई बैठा नहीं बैठा, मेरा फिक्स फ्री है, फिक्स है, मैं फिक्स दे रहा हूँ, मेरी गाड़ी खड़ी हो, गवर्नमेंट अपना नहीं छोड़ रही है। हमारे जमाने में ऐसा चलता था। तो आपका कब हुआ रिटायर? रिटायर का मैं तो 2009 में आया। 2009 में आप छोड़ के आ गए? खुद छोड़ के आया, पिताजी की वजह से आया है, क्योंकि ये बीमारी थे, घर में बच्चे इधर उधर हो गए, मजबूरी से आया। तो 2009 में आप रहे? 2009 से मैं घर में पड़ा हूँ ये। और हमें ये प्रॉब्लम है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उत्तराखंड देवभूमि में रहते हैं, हमारा स्वर्ग है यहाँ, कोई एक चीज की कमी नहीं है। और हमें रोड यातायात की कमी है कि हमारा जो ग्राम ननौली है, ग्राम सभा ननौली है, बिल्कुल जीरो है, कोई यातायात की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। और हम लोग जब देखो अभी हमारी क्या हालत हुई, हम 20 किलो आटा लाए, आपने देखा हमको? देखा है, नहीं देखा? हाँ, उस रोड में गए, पसीने के तर हो गए, उस घर आए, अब क्या खाए हम यहाँ? सरकार इतनी अंधी है कि हमारे रोड का नक्शा बनाया, आज कितने साल से मैं घर आई, 10 साल है कि घर आई, हमने कितनों की खुदामत कर दी यार, रोड बना दो, रोड बना दो, रोड बना दो, हमारी व्यवस्था यही है रोड की, कोई रोड नहीं बनती, हमारे यहाँ कोई है ही नहीं, ऊपर के जो बिचौलिए हैं वो खाके चले जा रहे हैं, हो गया, हमको यही प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे खाना कौन लाएगा? अभी रोटी बनी थी, हमने खाया ना, जब हम लाएंगे तब तो बनाएंगे, तो कहाँ से खाएं?
तो इसीलिए लोग जो है वो छोड़ के जा रहे हैं, इसीलिए छोड़ के जा रहे हैं। हमारे ग्राम सभा ननौली, ग्राम ननौली जो है इसलिए लूज है कि हमारे यहाँ यातायात की व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल, वो किस्सा करेगा जहाँ रोड वहाँ विकास। बिल्कुल, जहाँ रोड ही नहीं है क्या विकास होगा? कौन आएगा? वो कहता घिधेरा है, कोई कहता जंगल है। अब हम मान लीजिए चलो ब्याला कॉलोनी को तो जंगल पर को जू तो चेन तो सब भय है नहीं भय। बिल्कुल, तो अच्छा, आपका जो इतना लंबा अनुभव है केमू का, उसको थोड़ा सा बताइए कि उस समय जब आपने ज्वाइन किया था कितने केमू के मालिक हुआ करते थे उस वक्त में? आपने किसके वहाँ काम किया? बेटा हमने तो डीडी पांडे के वहाँ किया शुरू में। डीडी पांडे मर गए हैं, बहुत अच्छे मालिक, वो भी हमारी तरह बने थे, गरीब से भाट सल्ला भाटकोट के थे, गए थे चगोलियों में फार्मर थे, उन्होंने एक आध गाड़ियां जोड़ी, ऐसे जोड़ते 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 आगे बढ़े। कितनी गाड़ियां थी उनकी? हमारे टाइम में तो चार पांच गाड़ियां थी, चार। फिर उसके बाद हमने उनकी गाड़ियां, उन्होंने अपनी गाड़ियां निकाल दी थी, उनके भाई ने ले ली, तो हम उनके भाई के बाद उन्हीं के बगल में जो पालभदर में, पालभदर आ गया, वहीं रहा 2009 तक, वहीं रहे। अपनी स्वयं इच्छा से आए हम, वो हम अभी भी जाए तो अभी हमारी इज्जत होगी। मतलब पूरी नौकरी आपने एक ही उम्र वहीं काटी, और उन्होंने हमारे लिए कोई बुरा नहीं किया, हम तो कहें उनके जजकार हो, उनके बदले हमारे बच्चों ने जो भी पढ़ा लिखा हमने खाया, हमने चोरी तो नहीं की, ईमानदार से रहे, तो हमारा कहीं पर बुरा नहीं रहा, कहीं कोई पर कहीं फ्रैक्चर नहीं हुए, कहीं कोई बात नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं हुए। अच्छा, इतने साल में कभी कोई दुर्घटना हुई? कोई घटना नहीं हुई। एक ही दिन हमारी कांडा में हमारी गाड़ी पलटी थी, वो भी बर्फ में गाड़ी स्लिप हो गई, तब एक समय उसमें भी कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। अच्छा, इतनी सर्दी, बरसात, जाड़े, गर्मियां, कितनी तकलीफ से गुजरते हैं जो केमू के जो कंडक्टर ड्राइवर होते हैं? कैसे कैसे आप लोग ले जाते थे इतने दुर्गम पहाड़ों तक, इतनी मिट्टी वाली सड़कों तक? कैसा रहता था अनुभव? अनुभव क्या रहता था, हम तो रात दिन परेशान ही रहते थे। केमू की प्राइवेट बनिए की नौकरी थी बेटा, क्योंकि बनिए की नौकरी में तो यही है कि छत में भी जाओ, पैसेंजर का सामान भी लाते थे, हैं आओ भटो भी कहते थे, पैसेंजर ज्यादा हो गए अपनी सीट भी देते थे, खड़े रहते थे, जाड़ों में डीजल जम जाएगा तो उसको गर्म करके गाड़ी स्टार्ट करते थे, बर्फ में कांपते थे। अब तो इंजन ही बदल गया उसने, हमारे जमाने में तो पानी चढ़ाई में तो हाथ जल जाते थे, पानी डालते 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 डालते, हल्द्वानी से बुज्जियाघाट, बुज्जियाघाट भवाली आने तो चार कंडर पानी डालते थे। कहाँ डालना हुआ पानी? इंजन में, गाड़ी के अंदर, ऊपर में, हाथ हाथ भड़ी ही नहीं रहा हमारा, तो काले करनी चढ़ाई में गाड़ी गर्म हो जाती है, गाड़ी खड़ी की पानी डाला, हम तो हीरो गाड़ियां हैं, हीरो कंडक्टर हैं, हमने तो इतना कष्ट किया, उतना कष्ट कोई नहीं करेगा, और हमारा जैसा आइडिया किसी को होगा भी नहीं। अनुभव बिल्कुल, बिल्कुल, हमने हर चीज, हमें अभी हर चीज याद है, अल्मोड़ा हल्द्वानी 96 किलोमीटर है, अल्मोड़ा दनिया 52 किलोमीटर है, हमको सब नोट करा दी वो हमें अखा बदर बहु। अच्छा, जब केमू स्टेशन में आप हल्ला करते हुए बोलते थे, थोड़ा सा सुनाए बोल के, क्योंकि आपकी कद काठी भी काफी ठीक ठाक थी और आवाज भी आपकी बहुत बुलंद है, तो मैं, मुझे याद है आप केमू स्टेशन में आपका तूती बोलती थी एक तरह से, आपकी बड़ा आपकी सम्मान था वहाँ पर, तो थोड़ा बताइए आप किस किस तरह से पुकार के लोगों को बुलाते थे? आप पुकार को क्या था, पहले तो कोई नहीं था, बाद में पुकारते थे। हाँ। जैसे आओ पैसेंजर को पुकारने वाले ने, जैसे अल्मोड़ा अल्मोड़ा अल्मोड़ा, बागेश्वर बागेश्वर बागेश्वर, पिथौरागढ़ कहिए, तभी तो गाड़ी भरी जा रही। अब जिसकी गाड़ी भरेगी तो उसका तो कदर होगा, जिसकी गाड़ी खाली जाएगी तो मालिक आएगा खाली गई, यही चलता था। और क्या है, बाद में चीजों जब मुलायम सिंह ने जब फ्री किए परमिट तब था, पहले तो लोग बाग हाथ जोड़ते थे केमू के लिए, और केमू में कोई भी कसरोटी नहीं होती थी, क्यों? केमू के ड्राइवर कंडक्टर कभी दारू नहीं पीते थे दिन में, जो ड्राइवर दिन में दारू पिया होगा वो कंडक्टर उसको उतार देता था, उसको अपने कंडक्टर से हो बल्दने हो मैंने, उसको अपना ड्राइवर का अनुभव था कि इसने पी ली तो गाड़ी खड़ी हो जाएगी, ताकि कोई मरे नहीं। आजकल तो दारू की भी चल रहा है, सब काम चल रहे हैं, हमारे जमाने में हमने कभी दारू नहीं पी और कभी ने ड्राइवर नहीं पी, मंजिल टू मंजिल गाड़ी गई तभी हुआ जो हुआ, ऐसा होता था, हमारा जमाना ऐसा था। तो आज हम देखते हैं कि काफी दुर्घटनाएं हो रही हैं, हाँ, दिन में भी जो है, हाँ, ड्राइवर कंडक्टर शराब पी रहे हैं, तो आपके समय में इतनी सख्ताई हुआ करती थी? हमारे संबंध में तो ऐसा था, जो ड्राइवर कभी पिया दिखा तो उसको आईटीओ जब चेक करेगा तो पुलिस चौकी में गाड़ी ड्राइवर से करने वाले गाड़ी दिखा करके, आप कंडक्टर जहाँ पहनी ड्राइवर गाड़ी ठाड़ करो वो गाड़ी होने जाल थाना में चौकी चौकियों में, तो पुलिस वाला उसकी जांच कर लेने वाला कि ये कैसा है, वहीं पर खड़ा कर देगा। इतनी शक्ति थी, आप कहा, अब तो जब से मुलायम सिंह का राज हुआ, मुलायम सिंह ने जब से मुलायम सिंह रहा मुख्यमंत्री, तब से तो ये सब आवारा हुए है। तो परमिट जब सारे खोले तो फिर बहुत सारी गाड़ियां आ गई होंगी। मुलायम सिंह ने तो कार तो मुलायम सिंह ने इशू करी, हमारे जमाने में कहा थी कार, एक कार वीडियो हुई थी ब्लॉक में, जब वीडियो कार ने बा कार आगे को नहीं, हम वीडियो से अला हमारे यहाँ कोई कार ही नहीं आती, जलवा हुआ कार का कार आ गई तो समझो स्वर्ग कहाँ से आ गई, कार वीडियो साहब आगे हो, वीडियो साहब आगे
यो हमारे तो परमिट फ्री करने से ये हुआ कि हर कोई गाड़ी खरीद के चला सकता था सड़कों में। यही तो किया, राष्ट्रीयकृत कर दिया ना, जैसे पानी का राष्ट्रीयकृत है। पानी हम पहुंचे, हमारे पानी पहुंचा नहीं, अब पानी का ना पानी राष्ट्रीयकृत है, वो सबका है, जो पी रहा है उसका है। नल में पानी आ रहा है, आप भी पियेंगे तो दूसरा भी पिएगा, हम मना नहीं करेंगे, नहाएगा धोएगा पिएगा, वो हो गया। अच्छा, तो तब से ये छोटी गाड़ियां भी आ गई, मैक्स है, बुलेरो है, हाँ सब 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 सब। तो आज तो जैसे आप आज तो तेमो यू की गत खराब हो गई। अरे चार गाड़ी जिसकी किस्त की कहाँ से देगा वो? अर्जुन सीजन में जेठ बैसाख दीदल दे बाजार में सीजन से बाकी उसकी गत खराब करी, सब कारों ने खत्म कर दिया। अच्छा, केमो की जो गाड़ियां बसें होती थी उनके मॉडल क्या अलग अलग टाइम पे बदलते रहे? जैसे पहले कुछ और था, बाद में कुछ नया बना, ऐसा भी था कोई मॉडल? था मॉडल रहता था, पहले 15 साल की थी, पहले तो 15 साल में दूसरी गाड़ी बदलनी ठहरी, अब पता नहीं क्या, अब तो हमारे घर जाने में नहीं जानता। 15 साल में गाड़ी चेंज करनी? हाँ बिल्कुल, गाड़ी पूरी चेंज होगी, 15 साल की उसकी उम्र खत्म हो गई। अच्छा, हमारे जमाने में ऐसा होता था, अब 15 साल गाड़ी चली तो बहुत ठहरी, 15 साल यहाँ है, अब तो कम हो गई होगी, भगवान ही जाने, मालूम नहीं, पहले तो ऐसी था। तो आप लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिलती थी? बहुत सुविधा, कितना घंटे आप लोग चलाते थे? 24 घंटे ड्यूटी करते थे हम, बिल्कुल गोट के बैल थे, प्राइवेट बनिया के नौकर ठहरे हम, भाई सारे कर्मचारी लिमिटेड थे, हम लोग बनिया के अंदर थे, कुमाऊं ऑनर्स लिमिटेड, कुमाऊं का मतलब केमो ऑनर्स, ऑनर्स की कंपनी ठहरी, ऑनरों की, मालिकों की हुई, मालिकों ने ड्राइवर किन्नरों को अपना बनाया ठहरा, बाबू लोगों को फंड कसता है, बाबू लोगों का फंड करता था, बोनस करता था, उनको हर चीज मिलता था, हमको तो क्या मिलता, हमको तो मालिक देने वाला था, जो देने वाला। तो कभी यूनियन आप लोगों ने नहीं बनाई? यूनियन ठहरी, चंदा हर महीने में देते थे, तो यूनियन की तरफ से उनकी भी जमानत बंद कर देते थे, सेक्रेटरी की हमारी, सती प्रकाश था हमारा चोर के लिए आला, सती प्रकाश जी, अभी आप तो चले गए होंगे मगर अच्छा था वो। तो कितना से शुरू किया था आपने? 77 में जब ज्वाइन किया था तब क्या पैसा मिलता था, और जब छोड़ा तब कितना बड़ा? 77 में हमको 30 रुपए मिलता था, 78 में 40 मिलता होगा, करते 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 मैंने 2009 में मेरे को 1500 रुपए मिलते थे जब घर आया, 1500 रुपए जी, कुछ नहीं मिलने वाला, और नौकरी जो है वो इतने घंटे की हुई, 24 घंटे बैठ ठहरे हम, इतने हैं, रोटी पानी हम खाते थे, रोटी पानी हम अपनी चलाते थे उसी गाड़ी से, क्योंकि एडजस्ट नहीं करना चाहिए, हाथ में इतना ही मिलने वाला था। हाँ, मैंने कि हमें मालिक इतना ही देने वाला ठहरा। तो कहाँ कहाँ रहे आप, किस किस रूट में रहे? सभी रूट में रहे हम, तो हल्द्वानी दिहोली पतरेट हम चले, हल्द्वानी भनोली हम चले, फिर बाद में तो हम भनोली तो हम फिर से 8 साल चले, शुरू में हम सभी रोड चले, नैनी जागीसन हम चले, खेती हम चले, चंपावत हम चले, पिथौरागढ़ हम चले, मुचारी हम चले, हर रोड में चले, और चोरगिरिया कांट बांस टनकपुर और रामनगर कोटा बाग बैलप्लाऊ और ये कालाडुगी नैनीताल जो ये भाया बजौन गढ़गढ़ ये कालाडुगी से जंगल को रूट है ऊपर को वो नैनीताल मल्लीताल आती है और विनायक मल्लीताल विनायक भी चले हम बिताल घाट हम चले अमेल हम चले हल्द्वानी से और धनियाकोट हम चले सभी जगह चले कहानी चले हर जगह रोड में चले हम तो क्या टाइमिंग क्या रहती थी हल्द्वानी से टाइमिंग केमो का ठहरा टाइमिंग केमो का ही ठहरा मेजरमेंट केमो का मतलब क्या होता है मेजरमेंट केमो के अंडर ठहरे हम मेजरमेंट से चल ले ठहरे हमारा जैसे 8 बजे का आज नंबर है हमने 7 बजे गाड़ी लगा देनी है 8 बजे हमको गाड़ी टिकट काट के दे देंगे वो जाओ वहां से भी टाइम बना ठहरा जहाँ से हमने कॉल किया कितने कितने घंटे के ये रूट होते थे रोड क्या है मैक्सिमम कितने घंटे के रूट में आपने काम किया है 4 घंटा 5 घंटा ज्यादा हाँ मैक्सिमम क्या है जैसे हल्द्वानी धार चुरा है अब हम 4:30 बजे चलते थे शाम को 6 बजे पहुंचते थे कितना घंटा लगाओ पूरा दिन हुआ साढ़े चार बजे हम हल्द्वानी से चले धारचूला के लिए तो शाम को 6 बजे धारचूला पहुंचे और धारचूला से दूसरे दिन हमने ग्वालदम जाना है जिला चमोली गढ़वाल तो धारचूला से 6 बजे चलेंगे तो शाम को 7 बजे हम चमोली पहुंचने वाले ठहरे तीसरे दिन हल्द्वानी गढ़वाल वाले रूट पे भी किया आपने काम नहीं है चमोली तक ग्वालदम तक हाँ और यात्रा में बद्रीनाथ चले हम यात्री में जब वहाँ की गाड़ी कम पड़ती थी पहले जेमू वाले केमू वालों को लेते थे जब मेला चलता था वहाँ चले खाली यात्रा में चले ठहरे वो चीज भूल गई हम अब याद कहाँ रहती है हाँ तो इन रूटों में अगर आप भी आप जाएं तो लोग आपको परिचित मिलेंगे जो जानने वाले होंगे तो नहीं मिलेंगे हाँ बिल्कुल मिलेंगे जिनके यहाँ हमने खाना खाया होटलों में और वो तो हमको पहचानेंगे भाई बिल्कुल और रुकने की व्यवस्था क्या रुकने की गाड़ी हमारा डेरा जो है गाड़ी है दिन की ड्यूटी रात को गाड़ी की चौकीदारी अपना 4 कम्बल जो कम्बल जो भी रखे शाम को बिछाए सो गए गाड़ी के अंदर कोई हमको मारे या कोई बचाए ठीक है नहीं कोई कैश लूट दे वो हम भरेंगे
हमारे पास जैसे 2,000 है 4,000 है किसी ने निकाल दिया, वो हमें बनने हैं। रात के हम चौकदार भी थे, कंडक्टर भी ठहरे, चौकदार भी ठहरे, फोरमैन भी ठहरे, क्लीनर भी ठहरे, सब कुछ ठहरे हम जी, राजा ठहरे। अब पैसा ठहरा हमारा, ये कहने के लिए राजा हुए, राजा ही ठहरे फिर। और टायर पंचर होगा, हम उसके हेल्पर ठहरे, उस टाइम टायर बनाएंगे, खोलेंगे, गाड़ी धोएंगे, तो हम उस टाइम भंगी भी ठहरे। मे सर क्या उल्टी साहब पड़ता ने, बिल्कुल बिल्कुल पदर को भाव राह पड़ बढ़ने में, कि हमें अंदर रहना है, पहाड़ी रास्ता वहाँ उल्टी पूरी गाड़ी सब सारी व्यवस्था। कोई औरत बेहोश हो गई, कोई औरत बीमार हो गई, उसको हॉस्पिटल भी जाएंगे, क्यों वो कोई बात बिगड़ गई तो उसकी जवाबदारी हमारी है। बीमार हो गई इसकी, उसको हॉस्पिटल भर्ती करेंगे, उसके जो आदमी है उसको सहारा नहीं होगा सहारा देंगे, उसको साथ देंगे, उसके पास पैसा नहीं होगा पैसा देंगे। किसी की जेब कट गई उसको हम टिकट काट के फिर ही ले जाते थे, रोटी खिलाते थे। उस जमाने में ऐसी मती थी, कोई फैमिली वाला आ गया उसकी जेब कट गई जमाने में, ऐसे भी तो डरा, और रो आप क्या करेगा, कौन ले जाएगा, हम ले जाएंगे बेटा। हमने कहा बैठो बैठो, खाए हुए हमारे साथ खाओगे। डीडीआर वाले से हो गया हमारा एक दिन, किस तरह आदमी वाला रहा, उसकी जेब कट गई। बोले यार तो मेरी ऐसा ऐसा हो गया, मैंने कहा बैठो यार। बोला हम घर जाके देंगे आपको। हमने कहा मत देना, तुम बैठ तो जाओ, बैठ जाओ यार, हमारी गाड़ी बैठो। अब वहाँ डीडी मेरी नाग में खाने के लिए आप चाहिए आप नंदिन दानो, पेट में भूख लगी। हमने कहा भाई पहले इनको खाना लगा, क्यों हमारे होटल में से लिंक ठहरा ना, पहले इनको खिला दो, हमारे बच्चे हैं। उन्होंने भी खाया, हमने भी खाया, हमने अपने हिसाब से पेमेंट किया। तो वो घर पहुंच गए, वो शाम को अपने हमारी इज्जत से जो भी लाए हमको सम्मान दे गए। ये होता था। तो ये नैतिक जिम्मेदारियां भी आप लोग निभाने वाले, सब निभाई करी बिल्कुल, जबकि आप खुद इतने तंगी में हुए उसके बावजूद भी। तो जिन होटलों में लिंक हुआ आप कह रहे हैं कि वो है कि आपने जिस होटल के सामने गाड़ी रोकी है तो उसको फायदा है कि इतनी सवारियां वहां पर चाय पीएंगी, उसी को फायदा करा, तो आपको वो लोग अपने तौर से खिलाने वाले नहीं, हम पैसे देने वाले। अच्छा, मतलब पैसे पसिंदर से, पैसे पसिंदर के बराबर हमसे नहीं लेते थे, झूठ नहीं बोलने वाले। पसिंदर से 20 लेंगे तो हमसे 5 लेंगे। अच्छा, हमारे साथ जो खाएगा 5 ही रुपए में खाएगा, मीट मुर्गा जो भी, तू भी खाएगी, मैं भी खाऊ, मेरी बेटी है, मगर बेटी है मेरी, लगा भाई खाना, अच्छा अच्छा भाई 5 रुपये। लुधिया में जैसे हलवाई का दुकान में गाड़ी खड़ी होती है, हमको 2 रुपया थोड़ी देता है वो, घर आने में 2 डिब्बा मिठाई देगा हमको। तो केमू का इतना बड़ा ढांचा था, इतने मालिक इससे जुड़े हैं, तो उन्होंने अपने कहीं कमरे नहीं बनाए थे ऑफिस के तौर पर, हल्द्वानी और बागेश्वर है, बस रात को जैसे आप स्टेशन में रुक पाए, सो पाए कमरे में, बिस्तर में सोए, तो मालिक के नौकर ठहरे हम। तो सारी उम्र मतलब जो गाड़ी की जो सीट होती है वही आपका बिछौना, वही हमारे स्वर्ग, वही बंगला है। जाड़े हो, बरसात हो, कुछ हो, बीमार हो, टाइफाइड हो, निमोनिया हो, हमने तिरपाल बिछा के, हमने 2 कंबल बिछाए, रात काट ली। ये एक दिन का, उसके बाद भी हमसे मोटर मालिक का निवाड़ा, इसने मेरी गाड़ी खा दी, बाजे हमार मालिक का नका है। हमार मालिक हमार विश्वास को नहीं रहे, जनरल बात है, जनरल बात है कि लोग बात, उसने खा दी, उसने खा दी, हमारा गाड़ी डल हो गई। हमारे वाले का रोजर है, हमें जावा नौकरी करे, वो राजा आदिम है, उसके बच्चे जी रहे, हम तो कहते हैं उसका स्वर्ग हो, उसने हमारे कभी कमी नहीं की, हमारे घर भी आया वो, बल्कि हदीस की शादी में आया तो हमारे किसी बात नहीं। तो पैसा ये कुछ बड़ा है अभी, अभी के जो कंडक्टर हैं, अभी तो कंडक्टरों को 5-6 हजार, क्या बड़ा है जमाने के हिसाब से, तो कुछ नहीं पड़ा, 5-6 हजार कुछ नहीं, ऐसे ही मिलता होगा, इस 5 से ऊपर तो नहीं मिलता होगा। तो जिस वक्त आपको 1500 अभी मिले थे, उस वक्त जो रोडवेज के जो कंडक्टर थे उनको कितना मना करता था, रोडवेज के तो पूरा ही कलर का पैसा मिलने वाला रहा, पूरा पैसा हमारा वही जा रहा, ठीक ठाक पैसा हुआ, कटने वाला हुआ, कुछ हुआ। तो भर्तियां निकलती थी उसमें रोडवेज में कंडक्टर की, तो आपने कभी अप्लाई नहीं किया, कैसे करते हमारे पास, तो हमने स्कूल ही नहीं पढ़ा था, वहाँ तो हाई स्कूल इंटर चाहिए, हम तो 0 ठहरे ना, पढ़ाई लिखे बिना नहीं ठहरे, उस जमाने में हमारे पढ़ने के जमाने में तो गरीबी बहुत ठहरी, समस्या ये ठहरी बेटा। तो फिर इतने कम पैसे में पूरा घर बच्चे अच्छी जगह पे पढ़ाया आपने, सब कुछ किया, तो हम पढ़ाई क्या ऐसी पढ़े, प्राइवेट सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं, ठहरी है, आपका दौर तो सरकारी दौर हुआ, तो बच्चे प्राइवेट में थोड़ी पढ़े, सब सरकारी स्कूल में पढ़े थे, जो भी है अपनी दरगुजर ऐसी इधर उधर, किसी का लिफाफा है, किसी का कुछ है, ऐसी अपने गुजर करी थे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो क्या कमियां पाते हैं आप केमू में, आज क्या कमी कहेंगे आप, सड़कों में जो जा रही है गाड़ियां, क्या चीजें ठीक करनी चाहिए? ठीक तो वो करनी चाहिए कि कारों को अलग करना चाहिए, मुलायम सिंह ने कारों को दे रखा, केमू का जो रोटेशन है केमू का रोटेशन होना चाहिए, केमू के कर्मचारी अच्छे ठहरे, बुराई नहीं करेंगे हम, केमू के जैसे कर्मचारी रोडवेज में भी नहीं मिलेंगे आपको, केमू के कर्मचारी अभी भी दयालु ठहरे, आपकी एक महिला अकेली जा रही तो आप पर्दे से रहेंगे, बिल्कुल केमू में ऐसे कर्मचारी होंगे बिल्कुल पर्दे टू पर्दे से इज्जत से उतारेंगे, सुरक्षित आपसे गंदे गंदे नहीं बोलेंगे, माँ बहन करके बोलेंगे, अकेले होंगे तो आपसे पूछेंगे
केमू में ऐसे, क्योंकि केमू क्या है, गरीब 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 लोग हैं ना, उनको नौकरी नहीं मिलती है, मजबूरी है, वो लगे हैं उस सबकी काले दस रुपए दीदी, काले बीस दीदी, हम आपकी सेवा करेंगे, तो बोलगा यार शाम को यार इनको दे दो यार, कुछ दे दो इनको दे दो यार, ऐसे गुजर होने बता दे देना यार, ये हमारा काम करके आ रहा है, लिभा वाला दस रुपए दे दो यार इसको, तो सीखे डबल कमा और करके आया कमा। अच्छा तो पूरी डाक ले जाना, हाँ लिभा लिभा लेते पहाड़ से जाता होगा, सबका काम होता था, मट्ठा भी जाता था, दही भी जाती थी, घी भी जाने वाला था, खीर पकाई भी जाती थी। अच्छा क्या चल गया मेहनत से मैं बने ला रही हूँ जड़ सब है बिहार में पचास वर्ष मौका थी मेरा चली और वाट तो मोर काम दुनिया का है ऐसा चलता था हमारे जवानी। अब कहाँ, अब तो कंपनी कारों ने खत्म कर दी कंपनी। तो कारों के लिए आपका कहना है कि सिस्टम अलग हो, गाड़ियाँ फिक्स हो उस रूट में। हाँ गाड़ियाँ केमू ने अपनी रूट में फिक्स कर देनी चाहिए, एक जाएगा हर आदमी नहीं एक जाएगा, जैसे भदोली हम चले एक आई एक गई, ऐसे में केमू अभी भी आगे बढ़ सकती है, और नहीं तो एक गाड़ी एक रोड में छह महीने में जाओगे तो में कुछ नहीं चलेगी वो कार वाले को जाने। अच्छा, तो अभी उनका रूट इरेगुलर है, अनियमित है। हाँ रेगुलर नहीं चलती है अभी, जैसे ना रेगुलर हमारा कहने का मतलब है दो गाड़ी एक रोड में फिक्स कर देनी चाहिए, एक आए एक जाए, जैसे अल्दवानी खेती है देखो आप, खेती में हमारी केमू की गाड़ियां कोई नहीं है, आपको हम एक बता रहे हैं कितनी सीजन है, बरातों के टाइम में कितनी प्रॉब्लम है पैसेंजर को, तो क्यों नहीं मालिक लगाते हैं इधर, तो मालिक लगाते हैं पैसेंजर बैठता ही नहीं है यहाँ, उल्का मेरे रिश्तेदार अच्छी उल्का मेरे बहनी अच्छी उल्का मेरे भाड़ी अच्छी उल्का मेरे जिठाना अच्छे तो इसके खत्म है गए, तो रोज केमू की गाड़ी डेली आती, दस दिन खाली आती खाली जाती खाली आती खाली जाती, तो फिर पसनेर बैठता उसमें, अब सात दिन आप आए कुछ दिन भले ही घाटा उठाना पड़ता, तो कुछ दिन भुगा तो रहना ही पड़ेगा, तब जब कुछ पाने के लिए कुछ खोगे तभी तो पाओगे, क्योंकि लोग भी बहुत अच्छे से थोड़ी जाते हैं टैक्सी में, हम देखते हैं कितना भर भर के जा रहे हैं और यूं दब के लोड होके जा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ये गुंडे काम नहीं करते हैं कार में जाने में, बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसा है तो अगर आती गाड़ी तो लोग उसमें जाते हैं देर सवेर, कुछ लोग भी मूर्ख हैं बुरा मत मान, कुछ लोगों को अकल कम है, जल्दी है ना, जल्दी है जल्दी वाला एकदम जल्दी पहुंचा देते हैं वो, बस होगी केमू की गाड़ी आएगी तो लिमिटेड जाएगी, लिमिटेड से आएगी जहां पर चाय खुमचा कहीं नाश्ता करो खाना खाओ, तो अब जैसे दो बजे हल्द्वानी पहुंचने का टाइम है खेती से, तो दो ही बजे छोड़ेगा वो कार, और मैं बारह बजे बुझा दी हूँ पैसेंजर को ही चालू देख, उनको ये पता नहीं है इस गाड़ी की रफ्तार क्या है, ये जब गाड़ी रोड में चल रही इसकी रफ्तार क्या है क्या होगा करके किसी को पता है, तुम तेज गाड़ी में खुश नहीं आया तो कभी भी हो तेज गाड़ी में मत बैठना, स्लो में चलना, जब तेज गाड़ी की रफ्तार उतनी है तो वो जब रोड में चल रही है उसका क्या होगा, कहाँ जाएगी वो, ठोकर लगेगा नहीं लगेगा, तो पैसेंजर को अकल नहीं जल्दी जाने। तो बहुत सारी बातें आपने बताई है, मुझे लगा कि हमारे श्रोताओं को आज बहुत सारी जानकारी मिली होंगी कि केमू का जो जाल है कैसे फैला है, उस दौर में कैसे उस समय के कंडक्टर और ड्राइवरों ने काम किया। अच्छा एक सवाल कि जितने साल आप रहे 33 साल उतने साल आपका ड्राइवर भी वही रहा या नहीं, ड्राइवर बदल जाते थे। अच्छा ड्राइवर बदलते हैं, ड्राइवर कोई साल भर रहा, कोई दो साल रहा, कोई चार साल रहा, कोई पांच साल रहा, कोई छह दस साल भी रहा, और हमको अभी कंपनी वालों ने वर्दी भी दी हमको। अच्छा वर्दी भी होती थी आपकी? हाँ वर्दी भी हमको कंपनी वाले ने दी, हम कंपनी की बुराई नहीं करेंगे, खाकी वर्दी, खाकी वर्दी हमको कंपनी वाले ने चार पांच वर्दी दी, जैसे नंबर आता था सीरियल में, जैसे मेरा नंबर इस साल आया तो अगले साल फिर तीसरे साल आया, वर्दी भी दी हमको। हाँ अच्छा जो रूट चेंज होता था वो कितने दिन में बदलता था, जैसे हल्द्वानी खेती आप कितना समय रहे, हल्द्वानी पतलोट ओखलकांडा कितना? पतलोट तो हम चले 3 साल कंटिन्यू, हमारे मालिक ने फिर फिक्स कर दी गाड़ी, एक आएगी एक जाएगी, एक किसी को हमारा घर बन गया हो, जब जिस रोड में शाम को डेली जा रहा तो घर ही था रहा हो, दादी चाचा ताऊ यही था रहा, स्कूल आने तीन ब्रिज नहीं रहा। अच्छा। गाड़ी हाल है मेरे कबीर, अरे क्या है दस कदम जा रहे हैं आदमी आप जाएंगे, हमारे कौन से शरीर में बैठे हैं, समस्या तो सबकी, हमारे तो बच्चे कहीं जा रहे होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, हम तो ऐसे रहे। अच्छा 3 साल लगातार ओखलकांडा और पतलोट, कोडार तो गई, कुछ बताइए 3 साल अपने उस घर के बारे में, ऐसा मतलब 3 साल का जो घर आपका रहा पतलोट ओखलकांडा, उस पूरी पट्टी के बारे में बताइए कि कैसी थी, क्या है, कितनी सुविधाएं वहाँ, पट्टी सुविधाएं क्या थी वहाँ, तो ओखलकांडा ब्लॉक जो है बहुत पिछड़ा हुआ ब्लॉक है, हमने देखा ये धानापिली से आगे जो है बहुत पिछड़े लोग रहते हैं, एक तो वहाँ जंगल है, एक वहाँ बर्फ पड़ जाता है, यातायात की सुविधा नहीं है जैसे हमारे यहाँ आई, यहाँ घर है तो रोड है वहाँ दलिया में, लोग बाग परेशान है, सीधे लोग हैं, गरीबी ठहरी मजबूरी है आदमी को, कोई लकड़ी ला रहा है, कोई घास ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, किसी का घास डाल दिया, किसी की लकड़ी डाल दी, यही अनुभव है हमारा, यही हमारा घर है, कोई मट्ठा लिया है हमारे लिए, कोई दही लिया, कोई घी लिया। अच्छा लोग लाते थे? हाँ लाते थे।
शाम को गाड़ी में जैसे पथरोड में गए, उसने कहा चाचा लो दही भेजा है आपके लिए, किसी ने कहा तुम्हारे दूध भेजा है, किसी ने कहा तुम्हारे आज वो फल भेजा है, ऐसे लोग हम को देते थे। अच्छा। और हम उनकी समस्या भी हल करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी ने कहा हमारे लिए ऐसी चीज ला देना हल्द्वानी से, हम आए तो टिकट पड़ता है, हमने कहा हम ले आएंगे। अच्छा। हाँ, उसको भी ले जाते थे। अच्छा, तो ये सब काम भी आप? हाँ, करते थे। हल्द्वानी से किसी ने कोई मंगाया, किसी की दवा लानी है? हाँ, सब्जी दवाई लानी। हम लोग ये भी लेके हल्द्वानी से मुर्गा कटा के भी ले गए, लोगों ने कहा यार हम मुर्गा खाते थे, हल्द्वानी आने में टिकट पड़ता, हमने ले आएंगे। अच्छा। खड़ा के लिया वहाँ बिल्ली वाली ढरा। बिल्कुल बिल्कुल। हमने हर कोई आदमी की सेवा करी। तो खनसियों पतलोट में आपने कहा कि 3 साल रेगुलर आप रहे। हाँ। इसके अलावा आप किस इलाके में रहे इतना रेगुलर? बनोली, हल्द्वानी बनोली। हल्द्वानी बनोली। हल्द्वानी बनोली तो बहुत साल रहे, 10-11 साल रहे। 10-11 साल लगातार। हाँ, लगातार भाई अल्मोड़ा। अच्छा। चल जने से आगे हम हर घर का पता कर लो, हमको बता देंगे। अच्छा। किस घर ही हो गया? घर हो गया। जो हमारे साथ जाता था वो हमारे साथ ही लौटता था। वो कल के अली गाड़ी में जाके, जैसे आज मेरे साथ गया है बनोली। अच्छा, एक दिन छोड़ के लौटे। हाँ, जैसे आज बनोली मेरे साथ गया है तो कहेगा परसों सजाएंगे, उन्हीं जाएंगे, कल नहीं जाएंगे। अच्छा, ऐसा चलता था। ऐसा हुआ। हमने जहाँ भी है गंदे काम नहीं किए, जहाँ भी किए गाड़ी में भी खूब हंसी ठठाका। हाँ, तो रात भर दिन भर कौती की चलता था। अच्छा। हाँ, कोई डबल नहीं थे, झगड़ा नहीं होता था। नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, नहीं है यार। किसी ने कहा मेरे पास डबल नहीं है, हमारा 10 रुपये है टिकट, 20 रुपये का रहे, हमने कहा 10 ही दे दे यार, काम चला, चल रोटी हमारी भी बन जाएगी, एक तरह काम चल जाएगा। इनकी तुरी बात डबल नहीं है, उतार नहीं, उसको ले जाएंगे हम, पूरी व्यवस्था करेंगे। हाँ, भूख लगेगी रोटी भी खिला देंगे हमको इस देशी दस में उसको। तो हम तो इस प्रकार रहे। अब क्या बताए आपको, हमारा पूरा अनुभव यही है। बिल्कुल, बहुत अच्छे अनुभव आपने सुनाए। और चलते चलते कुछ और बातें आप कहना चाहें हमारी हल्द्वानी की श्रोताओं के लिए, हमारी तमाम और पहाड़ की श्रोताओं के लिए जो सुन रहे हैं आपको, क्या संदेश उनको देना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे? कोई भी बातें गाड़ी से संबंधित, सवारी से संबंधित, कैसे जाएं, कैसे यात्रा करें? यात्रा तो ऐसा है ना, आजकल तो आदमी ने सोच समझ के चलना चाहिए। ये कारों की यात्रा से तो बस से ही जाना चाहिए। हम एक तो बस में इंश्योरेंस होता है और कायदे से टिकट बनता है। कार में आप जा रहे हैं, 10 कार 9 सीट में पास है तो 25 सीट उसमें मिल रहे हैं। तो आप लोगों ने अपनी जिंदगी का भी स्वयं ध्यान रखना चाहिए। कोई भी यात्री हो वो टिकट लेके बैठे और रजिस्टर्ड गाड़ी में बैठे जो गवर्नमेंट के अंडर है। केमयू जो लिमिटेड प्राइवेट भी है तो गवर्नमेंट के अंदर है वो। बिल्कुल, बिल्कुल। सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल। और इसमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। कार में जाने से तो हम कह रहे हैं पैदल जाना अच्छा है। अच्छा, तो कीमो में आपको सारा फायदा मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा, इंश्योरेंस है पूरा, सब मिलेगा, टिकट होना चाहिए, बस हो गया। तो एक कंडक्टर होने के नाते आपका ये संदेश है लोगों के लिए? बिल्कुल। अच्छा, 10 साल हो गए आपको घर आए हुए, याद आते हैं वो रास्ते आपको? सब याद आते हैं, सब वो दिन सब याद है। मगर हमें मजबूरी है, हम पिताजी के साथ कोई नहीं है, बच्चे सब बाहर है, भाई साहब मथुरा है, कौन है यहाँ? देखो घर की समस्याएं हैं, अब उनके लिए दूध भी चाहिए, दही भी चाहिए। ये भैंस हमने जो पाली, मैं घर की बात भी कह देता हूँ, ये भैंस जो पाली हम पिताजी के वैसे लाए, हमारी वाइफ के पाँव में दर्द है, उन्होंने कहा हमने जिंदगी भर खाया यार, आज छाले हम परसे रहे, हमने कहा ले आएंगे, चिंता मत करो, खाओ तुम जब तक हम तुम्हारी भी सेवा करें। तो यही अनुभव है। तो आपकी बड़ी रौबदार मूछें हैं, सवारियां डरती तो नहीं थी आपसे, या फिर आपकी हंसी ठठार के से खुश रहती थी? और हम लोबड़ चाबड़ नहीं करते थे किसी से, वो यारी दोस्ती वाले कंडक्टर नहीं डरे हम। हम हेलो भाई खर खर खटखटाट वाले डरे, गंदे काम कोई करेगा उसको टोक नहीं, आज क्या कर रहा है इधर हट, कैसे इधर बैठ, मतलब हमारे साथ गंदे कोई काम नहीं कर सकता गंदा। हमने सबको डिसिप्लिन से रखा, अभी भी हमको याद करते कि वो आदमी ऐसा था। अच्छा, हमारा रिकॉर्ड होगा, कहीं भी जाएंगे तो इस बात कहीं पर कोई गंदगी नहीं हो। तो बहुत सारी बातें हो गई हैं, मुझे उम्मीद है हमारे श्रोताओं को बहुत जानकारी हुई होगी। तो बालकृष्ण भट्ट जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।